दोस्तों, आज जैसे कि मैंने टाइटल लिखा है कि बेयर ट्रैप हुआ क्या, तो बेयर जो है कि इंट्राडे में तो ट्रैप हुए थे, कैसे हुए थे मैं बताऊंगा, और डिलीवरी में भी ये ट्रैप हो सकते हैं कि नहीं, ये भी हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 4 मई को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली वीकली, और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस हैं, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से, जाके निफ्टी सिर्फ 3 पॉइंट पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी 316 नेगेटिव है। लेकिन जब भी मार्केट ओपन हुआ या उसके ओपन होने के पहले जो कि नेगेटिविटी थी, लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन में मार्केट बहुत नीचे आया था, स्पेशली फ्राइडे को, और आज भी गैप डाउन खुला। लेकिन यहाँ पे कवर हुआ जो कि पहले ही चल रहा था, मंडे को नीचे खुलने के बाद थोड़ा सा कवर होना। तो यहाँ पे जब भी मार्केट ऐसे गैप डाउन खुलने के बाद मोस्टली बियर ट्रैप होते हैं, वो हम लोग इंट्राडे में देखेंगे। और ये लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट क्यों लिया, तो यहाँ पे देखिए पहले के जो लेवल्स थे, जैसा कि एक लेवल हो गया जो कि इम्पोर्टेंस था, तो ये लेवल लगभग ये लेवल के ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया था, और सेकंड लेवल है ये जो कि फ्राइडे को ब्रेक किया था। लेकिन जो पहले वाला एक लेवल था जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके गया था, वही लेवल को मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है, और निफ्टी ने और लगभग बैंक निफ्टी ने भी, और जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसके नीचे यहाँ पे भी फेल हुआ था और आज यहाँ पे भी फेल हुआ। अगर इसके नीचे अगर ये देता रेड कैंडल क्लोज देता तो ये ट्रेंड लाइन फिर से ब्रेकआउट होती थी। तो मार्केट ओपन तो यहाँ पे हुआ, कवर यहाँ तक किया, तो जो लोग सोच रहे थे कि 2 दिन से मार्केट गिर रहा है और आज नेगेटिव न्यूज है, जैसे कि इलेक्शन का था, और जिन्होंने यहाँ पे ओपन होते ही सेल किया होगा वो लोग ट्रैप हो गए, उनके टॉप लॉस हिट हो गया और ऊपर मार्केट गया। अभी ये जो ट्रैप बेयर्स हो गए, ये क्या डिलीवरी के लिए हो गए या कि इंट्राडे के लिए? अगर डिलीवरी के होना है, जैसे कि मैंने वीकली में कहा था आपको कि ये जैसे कि लगभग ये ऊपर वाला लेवल है 15,000 के आसपास, और नीचे हमने जो लेवल लिखा था ये लेवल मेरा लगभग 14,200 के आसपास है, तो ये इम्पोर्टेंस लेवल है। आइदर साइड कहाँ भी ब्रेकआउट होगा तो अप साइड में जाएगा, ऊपर होता है या नीचे तो डाउन साइड में, बट ये मीडियम टर्म में जो बेयर्स है वो कभी ट्रैप हो सकते हैं। तो हमको थोड़ा सा ये जो लेवल है आज का हाई है, और इसके बीच में मेरा एक लेवल आता है जो है कि 14,700, वही लेवल जो कि फ्राइडे को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया था। तो अगर ए लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो मीडियम टर्म में यहाँ पे मार्केट कवर होने का चांसेस ज़्यादा है। अभी मार्केट नेगेटिव कब हो सकता है या फिर डाउन कभी जा सकता है, तो नया जो अभी आज का जो लो बना है यहाँ पे 14,421, ये मेंटेन करना चाहिए, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो आज का जो कैंडल बना है ये रिवर्सल कैंडल हो सकता है और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, प्रोवाइडेड आपको लेवल पे ट्रेड करना है। यहाँ पे हमको सेंटिमेंट पे करेंगे, जैसे कि आज बियर ट्रैप हुआ था, इंट्राडे में भी हम लोग देखेंगे, तब तक मार्केट का सेंटिमेंट है मेरा जो है कि एक साइडवेज हो सकता है, ये साइडवेज ही रहेगा। नजदीक वाला ये वाला हाई और ये लो जब तक ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पे ब्रेक करता थोड़ा नेगेटिव होगा, ऊपर जो लेवल है 14,700 अगर उसके ऊपर ब्रेक करता है तो थोड़ा पॉजिटिव होगा, बट अभी तक जो है कि मेरा पहले जो वीकली में व्यू था साइडवेज है, तो वही रहेगा। इंट्राडे में कल कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं? ओके, तो अपने डेली के लेवल दोनों भी यहाँ पे इसके बीच में ही मार्केट, और यहाँ पे नीचे वाला 5 मिनट का है, तो डेली का ऊपर वाला जो लेवल है 14,700 के ऊपर ही यहाँ पे हमको बाय करना है, क्योंकि पहले सेलिंग यहाँ से ही आया था, तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाता है तो यहाँ पे सेल आ सकता है। इसके ऊपर यहाँ से नीचे ओपन होने के बाद ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। गैप अप यहाँ पे ओपन होता है तो थोड़ा वेट करना, नहीं तो यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद रिवर्स आ सकता है। तो मार्केट का डायरेक्शन अगर बाय करते हो तो वो डायरेक्शन रहेगा नीचे से ऊपर होना चाहिए, ना कि इधर मार्केट खुले और यहाँ से नीचे आए। ओके, और सेलिंग के लिए 14,595 ए लेवल जो है, इसके अगर नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हो। डायरेक्टली यहाँ ओपन होता है तो इमिडिएटली मत सेल करना, यहाँ पे वेट करके ब्रेक करता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ से ब्रेक करता है तो भी आप सेल कर सकते हो।
तो दोनों तरफ डायरेक्टली जाने के बाद बाय या सेल मत करना, वेट करना, वहां से कौन से डायरेक्शन में जाता है वो देखना है। मोस्टली कल पॉजिटिव साइड जा सकता है मार्केट, बट आपको लेवल के क्रॉस होते ही देखना है। तो हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में भी देखिए कि मार्केट नीचे से कवर हुआ और यहाँ पे जो गैप था पूरा फिल नहीं किया, बट जो कैंडल बना एक पॉजिटिव है और एक लेवल पे बना। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये जो हाई बना था लो बना, इसको ब्रेकआउट किया, फिर से यहाँ पे ये रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर टेक्निकली प्राइस एक्शन में देखिए तो ये लेवल बहुत ही अच्छा है जहाँ पे बैंक निफ्टी ने ये हैमर कैंडल बनाया है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पे बेयर को ट्रैप करता है, इवन थोड़ा शॉर्ट टर्म में डिलीवरी में, तो ये हैमर के ऊपर 32573 के ऊपर जैसे जाता है और क्लोज देता है, तो यहाँ पे जो बेयर्स थे ये वाले ट्रैप हो जाएंगे, आज जैसे इंट्राडे में हुए थे। सेलिंग के लिए हमको अगर ये जो हैमर बना अगर ये फॉल्स होता है तो आपको इसका लो 31895 के नीचे जाता है तो ये फॉल्स होगा और मार्केट नीचे भी आ सकता है। अभी तक जो सेंटीमेंट है बैंक निफ्टी का भी, अभी हम लोग साइडवेज ही रखेंगे, इंट्राडे में देखते हैं कि कैसे लेवल चले थे और बेयर कैसे ट्रैप हुए। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी से नेगेटिव है, निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। तो मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे भी गया था और यहाँ से एंड ऑफ द डे कवर हुआ है। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ है वो हमको ज़्यादा देखना है। यहाँ पे जैसे कि हमारा डेली का लेवल 35257 के ऊपर अगर जाता है तो आप कल बाय कर सकते हो। छोटा सा एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे 32644 का एक रेसिस्टेंस है। आई थिंक ये रेसिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो और भी अच्छा मोमेंटम आएगा, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आया है। कल सेलिंग के लिए नज़दीक वाला ये लेवल है 32333, ये लेवल बहुत बार अच्छी तरह चला है तो इसको कल आप नज़र रख सकते हो एक शॉर्ट साइड के लिए। नेक्स्ट कुछ हम लोग स्टॉक भी देखेंगे कल के लिए। तो पहला है अडानी पोर्ट, यहाँ पे अडानी पोर्ट देखिए पहला एक रेसिस्टेंस था वही लेवल के ऊपर यहाँ पे आया है, बीच में एक इम्पल्स मूवमेंट हुआ था तो इसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो प्रॉपर मूवमेंट हुआ था उस लेवल के करीब है। ये लेवल थोड़ा ऊपर है 765, तो और 4 रुपये ऊपर अगर ये जाता है तो इसमें आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो लेवल इसका आ सकता है वो है 795, तो यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंटम हो सकता है अगर ये लेवल ब्रेक करता है 765 के ऊपर, ब्रेक करके 15 मिनट्स ये सस्टेन होता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है भारतीय एयरटेल, तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन का ब्रेक क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल में इसका लेवल रहेगा आज का ही जो हाई है 563 के ऊपर, आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट इसका आएगा वो आएगा 575 का, यहाँ पे टारगेट आ सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है HDFC लाइफ, तो HDFC लाइफ मैंने क्यों सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सपोर्ट लेवल पे इसने एजी की बुलिश इंगल्फिन कैंडल बनाया, क्लियर कट बुलिश इंगल्फिन है और ये सपोर्ट पे बनाया, तो कल जो लेवल रहेगा 674 के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हो। पहला टारगेट जो है कि इसका आ सकता है 682 का आ सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल मार्केट ऐसे चलना चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप मेरे साथ लाइव मार्केट में सीख सकते हो। और आपको कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर हमारे वेबसाइट stockgurudeepak.in के ऊपर जाके कोर्स की जानकारी पा सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।